Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna show you the how to blend shading. तो ये है four materials में पास, इसमें से है टिश्यू, ब्रश एंड होममेड स्टम्प, इंक कॉटन वर्ल्ड. So let's see. So, सबसे पहले शेडिंग कर रही हूँ. I'm shading. बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन तभी जारी होता है जब उससे बड़ा अधिकारी उसकी हाजिरी की रिपोर्ट लगाता है. लेकिन लगता है कि चार अलग अलग शेडिंग करूंगी मैं एंड देन आई शो यू द हाउ टू ब्लेंड एंड What's the result of doing these materials using it? तो सबसे पहले मैं लूंगी टिश्यू पेपर. थोड़ा सा टिश्यू लिया है मैंने. आई एम डूइंग दिस. टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एज यू कैन सी. लोग इस पे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते कि ब्लेंडिंग करना, सिर्फ शेडिंग कर देते हैं. तो मैं कहना चाहूँगी इनसे कि प्लीज़ ब्लेंडिंग भी करें, तो इससे आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और सुंदर. एंड आई एम यूजिंग होममेड स्टम्प, ये भी बहुत अच्छा काम करता है. Become a specialist. Choose from 150 plus specialized programs at our university and go a degree higher. Log on to upes.ac.in today. As you can see that it's also good. And I am using brush. ब्रश से थोड़ा लाइट शेड होता, सॉरी ब्लेंड होता है, डार्क नहीं होता ज़्यादा. बट यू कैन यूज इट इफ यू डोंट हैव टिश्यू पेपर एंड स्टम्प, सो यू कैन यूज इट. And now I'm taking cotton wool. Cotton से भी बहुत अच्छे से blend होता है. और आप जब किसी से भी blend करें तो बहुत हल्के हाथ से करें, tightly ना करें. उससे अगर टाइटली करोगे तो उससे ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा और फिर वो पूरा पेज ख़राब हो सकता है पेपर, इसलिए लाइटली यूज़ करो. नाउ यू कैन सी दैट इट्स ऑल आर डिफरेंट. टिश्यू का ज़्यादा डार्क है थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड हुआ है, और स्टम्प का भी अच्छे से ब्लेंड हुआ है. ब्रश का थोड़ा लाइट हुआ है. सो एंड कॉटन का भी अच्छा हुआ है. सो गाइस, ये थे थोड़ी सी ट्रिक्स, फोर ट्रिक्स. तो अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.